लालू जी बिना देश आओ बिहार सुना है, कमी तो घर के लोग के खलती है, बिहार के जनता के खलती है, कमी तो है। उनका बिना चुनाव नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है, देश में कोई नेता नहीं है। तेज पत्ता से तो रोज हमको फोन से बातें होता है, रोज समझाते हैं बाबू आ जा, आएगा जरूर आएगा, ऐसा हम लोग से दूर नहीं है। बिजली आई, बिजली मिली, मम्मी पापा जी लालू जी खतरनाक हो। नीतीश कुमार लालू यादव के गोद में चले गए। अरे तो हम बड़ा भाई है तो गोद में हमारे नहीं आएगा तो तुम्हारे गोद में चलोगे। बिहार की राजनीति का एक शीर्ष परिवार, एक ऐसा वंश जिसने बिहार पर डेढ़ दशक से ज्यादा राज किया। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव 3 वर्ष की शपथ लेता हूं। आज भ्रष्टाचार के दोष, भाई भाई के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने उस परिवार को बिखरने के कगार पर ला खड़ा किया है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार की राजनीति के पोस्टर का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, वो आज जेल में। उनके दोनों बेटों के बीच पार्टी में खुद को बड़ा साबित करने की और अधिकारों की लड़ाई जारी है। ऐसे हालात में रावड़ी देवी और तेजस्वी यादव के सामने अपनी राजनीतिक साख, बिहार में अपना प्रभुत्व और अपने सियासी भविष्य को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। हमारा परिवार बांटने वाला चीज नहीं है, कोई सम्मान नहीं है कि बांट के दे दो आधा उनको आधा उनको, कोई सम्मान नहीं है, मान सम्मान है, बेटा हमारा साथ है। लालू भले जेल में हो लेकिन बिहार के राजनीतिक पोस्टर में आज भी दिखते हैं। वो भले जेल में हो लेकिन ट्विटर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लालू भले जेल में हो लेकिन विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो रोज नेताओं से फोन पर बात करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या लालू प्रसाद यादव आज भी जेल से अपनी पार्टी का रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं? क्या लालू और उनके बड़े बेटे मिलकर इस लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? एक भदेस अंदाज, जितने जा लड़की सब औरत सब लालू से सेल्फी करती है, हमको सेल्फी लेंगे सर, हमको ले लो लेकिन मिस यूज मत करना। राजनीति का एक हसोड़ बाजीगर, ये बात जो हार कर भी जीतने की कला जानता है, जो बिहार के राजनीति की नब्ज समझता है। लालू प्रसाद यादव फुलवरिया से बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफर, वहां से दिल्ली के रायसीना तक का सफर, लेकिन ना उनके भीतर से गांव निकला ना अपनी देशज बोली का अंदाज। 30 साल में ये पहला लोकसभा चुनाव है जब लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में सक्रिय नहीं है। उनके चुनाव प्रचार का गवई और अनूठा अंदाज उनकी अलग पहचान बन चुका है, लेकिन इस बार लालू जेल में बंद हैं और रैलियों के मंच पर नहीं दिखेंगे। लालू प्रसाद यादव अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार करते रहे हैं। अपन भाषा में बोलता हूं, दांत के साथ बोलेगा पी बोलेगा उंगली हटा ली हो, इस बटन को बोलता है कि पुश करो, पुश करो मैंने दबाना, ऐसा ना कोई तरह हाथी से मत दबा दे। लेकिन अब लालू का ये अंदाज नहीं दिखेगा। लालू की गैर मौजूदगी में पार्टी भी बिखर रही है। बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी खड़ी कर ली। घरेलू कलह की चिंता राबड़ी को भी खाए जाती है। तेज प्रताप से तो रोज हमको फोन से बातें होता है, रोज समझाते हैं बाबू आ जा, बोलता है कि अभी छोड़ो ना मम्मी, अभी छोड़ो ना, क्वार्टर मिला है अपना, है क्वार्टर, आराम है, आएगा जरूर आएगा, ऐसा हम लोग से दूर नहीं है। लालू यादव भले जेल में हो लेकिन वो जेल में बैठे बैठे भी चुनाव लड़ा रहे हैं।
पहले लालू प्रसाद यादव ने अपनी जीवनी गोपालगंज टू रायसीना में नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के बहाने दोहरा गठबंधन करने के आरोप लगाए और फिर राबड़ी देवी ने वही चुनावी पासा फेंक दिया। ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे, वही समझा रहे थे, जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री के घोषणा आप कर दीजिए। तो आपने रोक लगा दिया उस पर? हम रोक लगा दिए। क्या बोली थी तब? सामने थे तब रोक लगा दिए, कहे कि नहीं एक बार पलट गए तब दूसरा इधर पलटने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी का ये बयान लालू की किताब को सुर्खियों में बनाए रखने का एक ही पैंतरा है। राबड़ी देवी के इस दावे को विरोधी भी चुनावी पैंतरा कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को राबड़ी और तेजस्वी भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू भी जानते हैं कि उनके ना होने से पार्टी को वैसी ताकत नहीं मिलेगी जैसी उनकी मौजूदगी से मिलती है। लालू यादव एक बहुत ही जो बिहार की जो कहते हैं कि उन्होंने राजनीति काफ़ी चेंज कर दी थी, तो निश्चित तौर पे पहली बार जो है राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी पार्टी है उसमें वो खुद उसको लीड नहीं कर रहे होंगे और इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो उनके ऐसा वक्ता है, जो उनके ऐसा लोग जो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, वो क्राउड को पोलराइज करते हैं, वो उनके किसी और उनके दल में उनके बेटे इमर्ज कर रहे हैं, तेजस्वी जो है पार्टी को लीड कर रहे हैं, बट उसमें आप लालू यादव वाली बात जो है नहीं, वो मौजूद नहीं है। लालू प्रसाद को भी इस बात का अंदेशा तो हो रहा होगा कि बिहार की राजनीति में उनकी गैर मौजूदगी पार्टी पर थोड़ा बहुत असर डाल सकती है, इसीलिए लालू ने दांव चला है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू ने राजनीति के सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एक कंकड़ फेंक कर लहर पैदा करने की पूरी कोशिश की है। वो कंकड़ है ये, लालू की जीवनी पर लिखी गई किताब गोपालगंज टू रायसीना के कुछ अंश जारी कर दिए गए हैं और राजनीति के महासागर में किताब के तौर पर फेंके गए इस कंकड़ से जो लहर पैदा हुई है वो है ये। खुद जेल कुमार हैं और बाकी तमाम तमाम शब्द बोल रहे हैं, पहले जेल क्यों पहुंचे वो भी पुस्तक में लिख देते, कैसे माइनस जीरो से शुरुआत करने वाला, चपरासी क्वार्टर से शुरुआत करने वाला आदमी आज 6,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना हुआ है, वो भी लिख देते जरा, लेकिन वो सब तो नहीं लिखेंगे ना। जेल के अंदर बंद है तो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए इस समय उसको रिलीज किया गया है, कुछ नहीं उस किताब पर क्या नई बात, वही पुरानी घिसी पिटी बातों को दोबारा दोहरा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने चुनावी मौके पर किताब के अंश जारी करके चुनाव में अपनी मौजूदगी जताने का दांव खेला है। लालू यादव बहुत दिनों से अब जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर रह करके ओब्वियसली उनको सेम मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिलता है, ये एक राजनीतिक किताब है, एक राजनीतिक की किताब है, और चुनाव के वक्त अगर इसको लॉन्च किया जाए उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका कि आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो लालू यादव के विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो जेल से बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशासन कभी कुछ नहीं कहता। लालू जी जेल से आरजेडी चला रहे हैं, ये जेल अधिकारियों के लिए शर्म की बात है, वहाँ हमारी सहयोगी पार्टी की सरकार है, मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ के कुशल और अनुभवी मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास जी वो इस बात का संज्ञान लें। नीतीश कुमार ने मैडम एक बात कह दिया कि हमारे एडिटर इन चीफ सर के इंटरव्यू पे कि लालू यादव फ़ोन से बातचीत करते हैं, आखिर नीतीश कुमार का ये बयान क्या साबित करता है? ये आरोप गलत बात है। जो आनंद सिंह बोला कि नीतीश कुमार लालन सिंह से बात कराता था, तो ये इंसाफ है कि ये इंसाफ है, तो घरेलू बात है। लालू यादव भले जेल में हो लेकिन वहीं से सुर्खियों में बने हैं, इसीलिए उनके जीवन पर लिखी गई किताब के अंश जारी होते ही विवादों में आ गए हैं। लालू यादव की जीवनी पर लिखी गई इस किताब को लिखा है लेखक नलिन वर्मा ने। इस पर काम हम लोगों ने करना शुरू किया था 8-10 साल पहले, और लालू जी अपनी उनकी जीवनी छपे उसमें
वो भी इंटरेस्टेड थे, जनता भी इंटरेस्टेड थी। लालू प्रसाद यादव पर लिखी गई इस किताब में उनका गांव वाला जीवन भी कहा गया है और राजनीतिक जीवन का वो खास दौर भी जब उन्होंने अपनी शख्सियत को शिखर पर देखा और मुसीबतों में भी। किताब जारी होने से पहले ही विवादों में आ गई है। लालू यादव की किताब में नीतीश कुमार को बंदर कहे जाने पर विवाद है। यही नहीं, नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर पर दोबारा गठबंधन के लिए मुलाकात करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात के मद्देनज़र लालू यादव ने एक बार फिर इस किताब के जरिए खुद को गरीबों और पिछड़ों का मसीहा साबित करने की कोशिश भी की है। लालू ने इस किताब के जरिए राजनीति की वर्तमान धारा में ही विवाद नहीं खड़ा किया, बल्कि बड़ी होशियारी से बीते बरसों की धूल में दफन हो चुकी अपनी छवि को भी निखारने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक ताकत बिहार की पिछड़ी जातियां हैं। इस ताकत को पूरी तरह अपने साथ खड़ा करने के लिए उन्होंने एक बार फिर पिछड़ों का मसीहा होने का दांव चला है। लालू प्रसाद यादव ने किताब में दावा किया है कि उन्होंने ही मंडल आयोग के जरिए पिछड़ों को 27% ओबीसी कोटा दिलवाया था। 90 का दशक था, केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार थी और बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री। केंद्र में बीपी सिंह के सामने ताऊ देवीलाल चुनौती बनकर खड़े हो रहे थे। बीपी सिंह अपने सामने किसी और दावेदार को खड़ा नहीं होने देना चाहते थे। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से लालू प्रसाद यादव इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने किताब में इस बात का जिक्र किया कि वो वीपी सिंह से चुपचाप मिलने पहुंचे थे और देवीलाल की चुनौती को खत्म करने का सियासी तोड़ उन्होंने ही वीपी सिंह को दिया था। किताब में लिखा है, दिल्ली में नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही दो पावर सेंटर बन गए थे, पहला प्रधानमंत्री वीपी सिंह और दूसरा उप प्रधानमंत्री देवीलाल। दोनों एक दूसरे के दखल से परेशान थे। मुझे चिंता थी कि दो नेताओं की लड़ाई में केंद्र की सरकार गिर जाएगी और इससे बिहार में मेरी सरकार भी खतरे में आ सकती है। अगस्त 1990 में मुझे वीपी सिंह सरकार को बचाने का फॉर्मूला सूझा। मैं वीपी सिंह से मिला और मैंने दो टूक कहा कि आपको देवीलाल पर कार्रवाई करनी चाहिए। वीपी सिंह ने कहा कि देवीलाल जाटों और पिछड़ों के नेता हैं, ऐसा करने से मेरी छवि पिछड़ा विरोधी हो जाएगी। जैसे ही वीपी सिंह ने अपना पिछड़ा विरोधी छवि बनने की चिंता जताई, लालू प्रसाद यादव ने अपना कार्ड खेल दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि अपनी पिछड़ा हितेशी छवि को बरकरार रखने के लिए वीपी सिंह कोई भी राजनीतिक कदम उठाने से पीछे ना हटें। उन्होंने वीपी सिंह को मंडल कमीशन को लेकर आइडिया दे दिया। इस बारे में किताब में लिखा है, मैंने कहा कि एक रास्ता है। 1983 में मंडल कमीशन ने पिछड़ों को 27% ओबीसी कोटे की सिफारिश की है। आपके दफ्तर में वो फाइल धूल फांक रही है, तुरंत प्रभाव से उसे लागू कर दीजिए। ऐसा करने से देवीलाल आपके खिलाफ पिछड़ा विरोधी होने का दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे। लालू की किताब के मुताबिक ये सुझाव वीपी सिंह को जच गया और फिर क्या हुआ पूरे देश ने देखा। लालू ने इस किताब में बताए इस वाक्य के जरिए एक बार फिर देश भर के पिछड़ों की नजर में खुद को मसीहा साबित करने का दांव चला है। अब उस वक्त ये बात इसमें सच्चाई है कि लालू यादव उस वक्त एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे थे और उनकी काफ़ी दखलंदाजी थी राष्ट्रीय राजनीति में भी उस वक्त में, और अपने आप को उन्होंने एक पिछड़े जो हैं और एक ओबीसी के नेता के तौर पे एस्टेब्लिश किया था। जो तीनों पात्र हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मर चुके हैं, देवीलाल जी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, सिर्फ लालू यादव मौजूद हैं और वो दावा कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। लालू प्रसाद यादव ने किताब के जरिए पिछड़ों को साधने का कदम तो उठाया ही है, साथ ही उन्होंने अपनी जीत के आधार पर बन रहे मुस्लिम यादव समीकरण के मुस्लिम फैक्टर को साधने की कोशिश भी की है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी किताब में करीब 30 साल पहले का जिक्र किया है, जब उन्होंने रथ यात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लालू के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लालू पर लिखी किताब में लिखा है कि
ईमानदारी से कहूं तो मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आडवाणी को गिरफ्तार करो। तब गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे दिल्ली बुलाया और पूछा कि क्या आप आडवाणी को हिरासत में लेने का प्लान बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ। सईद ने कहा कि आप ये सब अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, यात्रा को चलने दीजिए। तब मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को कहा कि आप सबको सत्ता का नशा चढ़ गया है। इस किताब के जरिए लालू प्रसाद यादव ने ये कहने की कोशिश की है कि केंद्र में एक मुस्लिम गृह मंत्री के होते हुए भी अकेले वही थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म के लिए बड़ा खतरा मोल लेने की हिम्मत जुटाई। रथ यात्रा चरम पे थी तो किसी भी राजनीतिक में ये साहस नहीं था कि उस रथ यात्रा को रोका जाए। तो इस बात का क्रेडिट देना होगा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा को जुटाने रोकने की जो हिमाकत की थी वो उस वक्त के जो राजनेताओं में सिर्फ लालू जी ने किया था ये चीज़। और इस बात का जिक्र करना कि उनको गृह मंत्री जो उस वक्त के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने फ़ोन भी किया था कि आप इसको मत रोकिए, इसको चलने दीजिए, इससे दंगे हो जाएंगे, इससे कानून व्यवस्था में आपको दिक्कत होगी, उसके बावजूद जो है लालू यादव जी ने ऐसा कदम उठाया था। तो ये एक निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि लालू यादव उस वक्त अपने आप को एक माइनॉरिटी के नेता, एक पिछड़ों के नेता के तौर पर साबित करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया इस चीज़ को। हालांकि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के दोषी के तौर पर सजा काट रही हैं, लेकिन इस किताब में उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि वो चारा घोटाले में विसल ब्लोअर थे ना कि दोषी। किताब में लिखा है कि तब के वित्त सचिव वीएस दुबे ने मुझे पशुपालन विभाग में बरसों से हो रहे घोटाले की जानकारी दी थी। 1981-82 के बाद से पशुपालन विभाग में ये घोटाला चल रहा था, लगातार गलत तरीके से रकम निकाली जा रही थी। मैंने वित्तीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाकर सभी जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन मीडिया ने कोर्ट कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मुझ पर चारा घोटाले के आरोप लगा दिए। लालू यादव इस मामले में अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और बिहार के नेता और बीजेपी के मंत्री भी इस दावे को झूठा करार दे रहे हैं। ये पुराना तर्क है, मैं तो इस मामले में वकील भी रहा हूँ, अब उनका कन्विक्शन हो गया है सबूतों के बाद, तो अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तो CBI की इंक्वायरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई, गवाही हुई, अलकतरा घोटाले में लोग जेल जा रहे हैं, तो इसलिए अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ। लालू ने कभी कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। लालू प्रसाद यादव घोटाले के दोषी पाए गए, अब सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जेल की दीवार के पीछे बैठे हुए भी राजनीति का ये माहिर खिलाड़ी अपने दांव बराबर चल रहा है। यही लालू की राजनीतिक सूझबूझ की पोथी है।